भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव आज होने जा रहे हैं और आज शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए बृजभूषण शरण सिंह खेमे की तरफ से संजय सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता श्योरान के बीच ये टक्कर होने जा रही है। आपको बता दें, यहाँ पर श्योरान महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाह भी है। उन्हें बृजभूषण के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों का समर्थन है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो 3 दफा इस पद पर निर्वाचित हो चुके हैं, यानी आज 12 साल बाद फेडरेशन को एक नया प्रधान मिलने जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। तो आखिरकार भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव होने जा रहा है। कई बार चुनावी मतलब अदालत के पछड़ी में पड़ा, रोड पर पहलवान आ गए और पूरी दुनिया में इसकी खबर फैली। भारतीय कुश्ती की जो साख है वो गिरी। एशियन गेम्स में इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला और भारतीय कुश्ती संघ अभी तक सस्पेंडेड है। भारतीय कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं वो आने वाले टूर्नामेंट में अगर ऐसी हालत रहती तो भारतीय झंडे के नीचे नहीं खेल सकते थे। लेकिन अब इस चुनाव के बाद ऐसा माना जाना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है वह भारतीय कुश्ती संघ को मान्यता दे देगा, जो एक बड़ी बात होगी। लेकिन चुनाव की अगर बात करें तो संजय सिंह जो है बृजभूषण शरण सिंह के करीबी जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट अनीता श्योरान है जो एक तरह से पहलवानों की नुमाइंदगी कर रही हैं और इसलिए ये चुनाव को लेकर अभी भी जद्दोजहद है। दोनों पक्ष चाहते थे, मतलब अनीता श्योरान का जो पक्ष है वो चाहते थे बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिले, लेकिन आखिरकार चुनाव हो रहा है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो जब उन्हें उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आया तो लोगों को हैरानी हुई, लेकिन यहाँ पर ये उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को इस पर भी हैरानी हो सकती है। 15 पद के लिए चुनाव है, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, 4 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 2 जॉइंट सेक्रेटरी, 1 ट्रेजरर, 1 सेक्रेटरी जनरल, 1 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 1 अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा ये। और थोड़ी देर में आपको नतीजा भी आज ही मिल जाएगा, 10 बजे से ये चुनाव है। भारतीय ओलंपिक संघ जो है वहाँ पे चुनाव है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहन यादव जो है उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि वो निजी तौर पर नहीं आ रहे, लेकिन वो लड़ेंगे और वो उनका एक पहलवानी का अपना छोटे मोटे पहलवान भी वो रहे हैं और अखाड़ों में उतरते रहे हैं। मध्य प्रदेश जो कुश्ती का जो ये के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, लोगों ने बताया कि वो पहलवान, कई कोचों ने मुझे बताया कि एक दौर में पहलवानी भी करते रहे। तो इंटरेस्टिंग है और ये देखने वाली बात होगी। बड़ी बात ये होगी कि भारतीय कुश्ती संघ को जो है एक मान्यता मिलेगी और इसकी साख फिर से वापस लौटने की उम्मीद करेंगे। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।